स्वागत है आपका टेक बुलेट यूट्यूब चैनल में। क्या दोस्तों, आपको भी फ्रूट जूस पीने में काफी इंटरेस्ट रहता है? आप भी जो है फ्रूट जूस पीते रहते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं फ्रूट जूस पी के? तो भाई फ्रूट जूस निकालने के लिए जिस चीज का यूज होता है वो होता है ब्लेंडर। और आजकल आपने देखा ही है कि लोग खाली ब्लेंडर का यूज करके जो है फ्रूट जूस के लिए स्पेशल जो है ब्लेंडर आता है, और उसी चीज की दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों आपके सामने पेज है ZenVolt का फ्रूट ब्लेंडर एंड ग्राइंडर जो कि है 400 वॉट का। तो दोस्तों इसकी हम जो है करने वाले हैं आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग। और अंदर में वारंटी की, तो वारंटी इसके अंदर में 12 मंथ की वारंटी मिलती है। और इसके अंदर में क्या क्या है, चलिए बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो आपको लेस प्राइस मिल रहा है ऑनलाइन उसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं 12% का, तो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है टेकविला जो। और दोस्तों ये है इसकी बाहर की पैकिंग, और इसके अंदर में आपको ZenVolt की ब्रांडिंग है यहाँ पे, और इसका नाम लिखा हुआ है फ्रूट्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर जो कि है दोस्तों 400 वॉट का। तो यहाँ वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पे QR कोड दिया गया है। और दोस्तों ये जो है इसका मैनुअल है जिसके अंदर में लिखा हुआ है 12 मंथ की यहाँ पे आपको जो है वारंटी मिलती है दोस्तों। और 400 वॉट का ये जो है ब्लेंडर ग्राइंडर है, और इसके अंदर में मैनुअल के अंदर में आपको पूरा डिटेल दिया है कि इसको कैसे यूज करना है, आपको इसमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, और इसके सारे पार्ट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें, पावर सप्लाई इसकी क्या है, अगर कोई परेशानी आती है तो वो यहाँ पे आपको ट्रबल शूट के तौर पर दिया हुआ है, और टर्म्स एंड कंडीशन जो है वारंटी की वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा मैनुअल। इसके बाद में आ जाते हैं जार के ऊपर में, और यहाँ पे आपको दोस्तों दो जार इसके साथ में आते हैं जो कि फूड ग्रेड के बने हुए हैं। एक तो 600 ml का आपको यहाँ पे फूड ग्रेड का जार देखने को मिल जाता है, और दूसरा जो जार है दोस्तों, और जो दूसरा जार है दोस्तों वो आपको यहाँ पे 300 ml का एक जार यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बहुत ही प्यारा फूड ग्रेड का, क्वालिटी काफी इसकी जो है मजबूत समझने आती है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का जो है इसके अंदर में ब्लेड लगा हुआ है दोस्तों, और ये जो है नॉर्मल आपके यूज के लिए, हाई यूज के लिए नहीं है। इस चीज का हमेशा याद रखिए दोस्तों कि इसमें अगर जो है फ्रूट्स को अगर आप जो है इसमें मिक्स करना चाहते हैं, है ना, आपको इसका जूस बनाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बेसिकली बनाया जाता है। सॉलिड चीज होती है उनको आप मत इसके अंदर में ग्राइंड करिए, ये जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो है हमारी मोटर दी है, मोटर के अंदर में नीचे देखें तो दोस्तों यहाँ पे एंटी स्किट, यहाँ पे जो है इन्होंने रबड़ लगी होती है, एक यहाँ पे इसका रीसेट का बटन होता है। इसके बाद में यहाँ पे इसके तीन आपको यहाँ पे स्पीड के आपको ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन यहाँ ऑफ मिले हैं। तो हमें जार के अंदर में आपको जो है फ्रूट्स को डाल देना है, जो भी फ्रूट्स आप इसके अंदर में जूस बनाना चाहते हैं उसको आपको इसके अंदर में डाल देना है। इसके बाद क्या करना है कि हमको यहाँ पे ये जो ग्राइंडर का हमें जो है ब्लेड वाला पैनल दिया है इसको आपको इस तरह से उल्टा इसके अंदर में लगा देना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है दोस्तों, इसको बहुत ही टाइट लगाइएगा, और इसके अंदर में जो भी चीज आप जूस बना रहे हैं उसको गर्म जूस जो है नहीं होना चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी है वो एक लिमिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा फुल इसको भर दें, है ना, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको जो है इसको लगाना है, रखने के बाद में आपको इसको इस तरह से लॉक कर देना है, और लॉक करने के बाद में दोस्तों इसका जो प्लग है वो आपको पावर प्लग में ही लगाना है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिए। आपको नॉर्मल जो एक्सटेंशन वायर्स होते हैं उनमें आपको एक्सटेंशन प्लग में ये चीज नहीं लगानी है। अंदर में जो है इसको कनेक्ट करने के बाद में जो है प्लग से हमें जो है इसको ऑन करना है, आपको जो है रोटेट करना है, तो इस तरह से दोस्तों जो है आपका जूस इसके अंदर में जो फ्रूट्स हैं उनका जो है जूस निकल आएगा। और इसको आप सेम जो है बड़े इसके साथ में भी कर सकते हैं, और छोटा जो इसके साथ में आपको दिया है इसके साथ में भी आप जो है इसको कर सकते हैं जार के साथ में। तो इस तरह से आपको इसको दोस्तों यूज करना है। ध्यान बस ये रखिएगा कि आपको इसको जो है प्लेन सरफेस में रखना है, एड़ी तेड़ी सरफेस में नहीं रखना है ताकि ये वाइब्रेशन ज्यादा ना करे, और सीधी सरफेस में रहने से इसका वाइब्रेशन कम होगा। और ब्लेंडर ग्राइंडर भी आपको आया होगा पसंद ZenVolt का, और अगर इस वीडियो इस प्रोडक्ट को आप बाय करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर चाहते हैं तो टेकविला का कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल में आप बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना।